नमस्कार जय माता दी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागत है, वेलकम अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सॉफ्टवायरा की 5 मिनट्स की स्टोरी। बहुत मज़ेदार है। एक आदमी का गोदाम था, उस गोदाम में एक दिन रात को सांप घुस गया। सांप को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बिल्कुल गोदाम के दरवाजे पे जैसे ही सांप घुसा, वहाँ पर एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, तो सांप को उस कुल्हाड़ी से चोट लग गई। सांप को गुस्सा आया, क्रोध में सांप ने उस पर फन मारना शुरू कर दिया। उसका फन जो है वो कट गया, वो एक उसे अपना दुश्मन समझ के उसके चारों तरफ लिपटने लगा, और लिपटता गया, लिपटते लिपटते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, सांप मर गया। उसे बहुत गुस्सा आया अपने क्रोध के कारण। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली, गोदाम खोला, तो उसे सांप के कई टुकड़े मिले, लेकिन दुकान में तो कोई नहीं था, केवल कुल्हाड़ी थी जो खून से लबालब थी। दुकानदार एक बात समझ गया कि सांप को बहुत क्रोध आया होगा, हल्की सी कुल्हाड़ी से चोट लगी होगी, उसने उसे अपना दुश्मन समझा, और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया। हकीकत में कहानी ना बड़ी छोटी है, शायद एक मिनट की है, लेकिन यकीनन हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। हमें भी ना अपने आसपास के कुलीग्स और दोस्तों से बहुत सारे बदले लेने हैं। हम उनकी कुछ हरकतों से बेहद ज़्यादा रुष्ट है, बेहद ज़्यादा परेशान है, लेकिन उनको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ना कभी कभार गलती से हम खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हाथ जोड़कर लोगों को माफ़ करना सीखें, इग्नोर करना सीखें, क्योंकि जब जवाब आप नहीं देंगे तो कुदरत देगी, और जब कुदरत जवाब देगी तो बेहतर देगी आपसे। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।